27 अप्रैल दिन मंगलवार, हफ्ता हो गया वीडियो नहीं बनाई, गलती है, बह गए थे भावनाओं में, आलसपंती में, डिस्ट्रैक्शन में। अब दोबारा ख्याल आया तो सोचा यार ये काम तो करना था अपने को, क्योंकि इसको रिव्यू करते हैं, जब चेक करते हैं अच्छा लगता है, वाह विचारों पे शुद्धि हुई है, बढ़िया है, इंसान ने काम किया है अपने ऊपर कि यार क्या कर रहा था मैं, क्या सोच रहा था। बट कोई बात नहीं, बह जाते हैं इंसान। सी आज के ज़माने में ना इंसान की हालत ना उस चोरी की तरह है, उस चोरी नहीं होती कि इंसान पानी में बह रहा होता है और भगवान को याद करता है कि हे भगवान बचा दे इस लहर से और मैं लड्डू दूंगा तेरे को। चलो भगवान की कृपा होती है, नेचर की कृपा होती है, एक लहर आती है और वो इंसान एकदम किनारे पे आ जाता है। जैसे ही किनारे पे आता है सांस ले रहा, ओ भाई साहब बच गया मैं, तो फिर कहता है भगवान केड़े लड्डू बच गया, बस ईश्वर की माया। दूसरी लहर आती है और दोबारा उसके अंदर उसको उस पानी में ले जाती है। तो बंदा कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पूछ रहा था केड़े लड्डू, मोतीचूर के, बेसन के, बूंदी के, किसी और चीज के। तो कहने का भाव क्या है, एक इंसान ना जब माड़े हाल में होता है ना, वो बड़े सारे वादे कर देता है, मैं ये कर दूंगा भगवान, मेरे को ठीक कर दो भगवान, या नेचर या जो भी है, या अपने आप से कि ब्रिंग द सिचुएशन बैक टू नॉर्मल, जो मेरे लिए लाइकली प्रेफरेबल हो। बट जब सिचुएशन प्रेफरेबल होती हैं तो बस इंसान दोबारा वही हरकतें करना शुरू कर देता है नहीं। यू नीड टू लर्न, यू क्या मतलब, खुद को वो काम करना बहुत ज़रूरी है जो ज़रूरी है, उसके रिजल्ट से लेना देना ही नहीं है। जस्ट लाइक फिटनेस, आप अच्छी बॉडी है आपकी या माड़ी बॉडी है, फिटनेस तो करना ही करना है। उसी तरह अगर अपने को समझ आ गया था कि वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, कि अपने थॉट्स को फिल्टर करना, समझना कि हो क्या रहा है, एंड मे बी बाय मेकिंग दिस वीडियोज हमको पता चल जाएगा कि ड्रीम इलेवन में जो हम प्रोसेस बना रहे थे उसमें कमी पेशी क्या थी। जैसे मैं ड्रीम इलेवन को सॉर्ट आउट करना चाहता था कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण एक ग्रैंड लीग जीती जा सकती है, क्या वो महज एक किस्मत की बात है कि हम ग्रैंड लीग जीतेंगे, या ड्रीम इलेवन को सच में जीता जा सकता है। तो उस पर चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, 15-20 तो मुझे भी पता है। उन चीज़ों को पढ़ के और उसको इम्प्लीमेंट करके एक टीम बन जाती। हार का डर करने वाला कभी जीत की तरफ थोड़ी जाएगा, तो हार होती टीम्स में, बट एक अच्छी टीम बन जाती जो जीत की तरफ जाती। वरना कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो सिर्फ 500 रुपये दिन के लिए काम कर रही है, फिजिकल लेबर कह लो या स्किल लेबर कह लो, बट ये अच्छा ऑप्शन था, दिन निकल गए। तो उसी चीज़ पे ना एक बात आती है, जैसे हम ना पॉजिटिव बात पे, जैसे एक गिलास होता है वो आधा भरा होता है पानी से, तो हम कहते हैं ये क्या है, तो लोग कहते हैं ये आधा भरा हुआ है पानी से, ये गिलास आधा खाली है। पर एक कहने का तरीका होता है कि ये गिलास तो पूरा भरा हुआ है ना, आधा हवा से और आधा पानी से। इसी तरह हम ये क्यों कह रहे हैं कि मैचेस निकल गए हैं, हम तो ये कह रहे हैं मैचेस पढ़े हैं, हाफ ऑफ द आईपीएल पढ़ा है, आधे से ज़्यादा आईपीएल पढ़ा, अभी 23-24 मैचेस पढ़े हुए हैं, बाकी 30-35 मैचेस पढ़े हैं। सिंपल सी बात क्या होती है कि इंसान ना सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करने लग जाता है ना, वहाँ ख़त्म हो जाता है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट उसकी प्रिपरेशन हमारे हाथ में है ना, प्रोसेस हमारे हाथ में है। प्रोसेस को जब समझते रहेंगे ना, हमें समझ आ जाएगा कि यार ये फेवरेबल है या नहीं है। फेवरेबल पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और मैच अगर फेवरेबल नहीं है रुक जाओ, समझो। ये धीरे धीरे ये चीज़ें हैं ना जो समझ आएंगी, बट कोई बात नहीं, होता रहता है। जैसे एक मैच हुआ था ना अभी 2 दिन पहले हुआ था, चेन्नई और जड्डू ने जिसमें रन मारे थे, कोहली के सामने ही मारे थे, हर्षल पटेल, हर एक का माड़ा दिन आता है। हर्षल पटेल पर्पल कैच होल्डर, अच्छी खासी 2-3 विकेट ले ली थी, पर एक ओवर ऐसा गंदा गया, 37 रन खाए और मोमेंटम सारा चेंज हो गया, ना मैक्सवेल चला, ना फिर डेविलियर्स चला, ना कोहली चला, ना कोई चला, टीम ढेर हो गई। और एक ऐसा इंसान सर जडेजा, श्री राधे, सर जडेजा 50% लोगों ने मांगा हुआ था इन स्मॉल लीग, इग्नोर्ड कोई बात नहीं, बट स्मॉल लीग 50% ने माना हुआ था। उसके स्कोर ऐसे थे कि टॉप के 4 लोगों को मिला दो तब ना बने। ग्रैंड लीग के सारे 2000 रुपये मिट्टी हो गए, मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी हो गए, वापस ही नहीं आए। अपने हाथ में थोड़ी है ना,
बट हम ये कह रहे हैं अगर हम उसको कंसीडर करते हैं कि ऐसा हो सकता है, चलो कंसीडर नहीं करते, वहाँ से हमने एक बात सीख ली कि ऐसा इंसान जो 40 से 50, 60, 70, 80% लोगों ने मांगा हुआ है, अगर वो एक तरफा पागल हो जाए और उसको अंधे पॉइंट मिल जाए तो आपकी लीग खराब हो जाएगी। पर कोई ऐसा इंसान अगर कोई 20 या 30% लोगों ने माना हुआ है वो पागल हो जाए तो आपकी लीग खराब नहीं होगी, बिकॉज स्टिल यू विल बी हैविंग चांस ऑफ कमिंग इन द जोन ऑफ 40 to 50% वाला, बिकॉज 30% लोग गए ना उस दिन तो 50 ही ले गए थे, एंड नेक्स्ट डे विलियमसन एंड अवेश खान आपने नहीं मांगा था तो आपकी टीम की उस दिन तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी बिकॉज आई वॉज बिजिंग फ्रॉम वर्क। तो जडेजा वाला ये टास्क था, ये सीखा उससे हमने। आज वाले टास्क में हमने क्या सीखा, आज वाले तो हम आज भी ग्रैंड लीग नहीं खेले, तो हमने आज वाले टास्क में क्या सीखा कि हम तो विराट कोहली के कैप्टन के साथ ही जा रहे हैं ना, हमने तो ट्राई नहीं किया डिविलियर्स, एंड आज की टीम में स्टोनिस मेड रन, स्टोनिस ने चलो कैच नहीं पकड़ी, हिटमेर वाज इन द टीम, हिटमेर ने 50 रन मारे हैं तो उसको सोचा ही नहीं। सेम वे कार्तिक और मॉर्गन शायद जिता गया ना कल, मॉर्गन भी टीम में आया था। हम एक ग्रैंड लीग के लिए तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, ऐसा थोड़ी है कि आईपीएल खत्म हो गया हमने सिर्फ 50,000-60,000 रुपए कमाया, ये आईपीएल के थोड़ी खरीदे, हम मेंटली और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मेंटली फ्री होने का मतलब है आपके दिमाग में ये ना चलता रहे, अगर एक इंसान है ना जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी दुख का कारण कोई दूसरा इंसान है उससे वाहियात, उसको जिंदगी का ज्ञान नहीं है, आपके दुखों के कारण आप खुद हो। लोग मुझसे खफा रहते हैं और वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी कई बार अपने आप से दुखी हो जाता हूँ, यही रियलिटी है। एक इंसान जो दूसरे को ब्लेम करता जा रहा है ना 95% केसेस में कोई दूसरा रीज़न होता भी नहीं है, 5% केसेस में होता है कि कोई आपको रोज़ आकर दिमाग खा रहा है, चाट रहा है, या फिजिकल असॉल्ट भी आप तंग कर रहा है फिजिकली, बाकी मेजर केसेस में है ही यही कि आप सिर्फ अपने मन में कहानियाँ बनाते रहते हैं। तो जितने भी मैचेस चले गए ना मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्क प्लेइंग 11 पता करो, लास्ट मैच का पता किया ठीक है, क्रेडिट का पता करो, पोटेंशियल प्लेयर्स हु कैन बी कैप्टन, जैसे आज के मैच में कोहली में पोटेंशियल प्लेयर पोटेंशियल है, धवन था, पृथ्वी शो था, पार्टिकल था, मिडिल ऑर्डर में अपने पास पंत था, डिविलियर्स था, 6 लोग थे, आप किसके साथ जाना चाहते हो, उसके साथ टीम बनाओ, ऐसे ही तो जाना था, ऐसी टीम बनती, कुछ कुछ होता कुछ कुछ होता था, आगे आगे के पॉइंट्स चलते रहेंगे, पर मेन पॉइंट तुम्हारा यही है ना कि आप किसको नीवे रख के आगे टीम बढ़ाना चाहते हो, हु यू आर गोइंग विद, ये हुआ इस तरह आगे बढ़ना था, बस यही है और क्या था। तो मेरे ख्याल से ये जितना भी अभी कुछ हुआ है ना उसके बारे में तो यही था, इसको हम रद्द मार सकते हैं और आगे से हम ये सोचेंगे कि ये मेन काम है, ये प्रायोरिटी है हमारा, प्रायोरिटी है जो अभी प्रोनाउंसिएशन है इसका, यही है हमारा काम, इसको अगर हम इसी तरह करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ओ गॉड, ठीक है, तो आने वाले मैचेस में हम पहले से तैयार रखेंगे एटलीस्ट प्लेइंग 11, क्रेडिट का इश्यूज क्या होता है, और हु आर द पोटेंशियल प्लेयर्स हु कैन बी मेक कैप्टन, हु कैन बी मेड कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, हारो जी तो फर्क नहीं पड़ता, अपना काम तो पूरा करो ना 2-3 घंटे का, ठीक है। देखते हैं अभी 28 अप्रैल से दोबारा सोचेंगे कैसे क्यों से है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ओके, टाटा।